जी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम नीलेश अंबोरे, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा सवाल यह है सर आपसे, आप जब किसी हिंदू गीता या वेद का हवाला देकर अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है तो क्या उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूँ, वेद का हवाला देता हूँ, दूसरे मजहबी किताबों का हवाला देता हूँ, जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं? कुरान की बात या वेद की बात करें या गीता की बात? गीता या वेद की? गीता या वेद। तो अगर जो चीज वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है, क्या हम उन पर अमल कर सकते हैं? मेरा कहना यह है कि कुरान को कहा गया फुरकान, फुरकान मतलब वो चीज जो सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचानती है। फुरकान यानी फर्क, हक और बातिल के दरमियान जो फर्क है उसको पहचानती है कुरान। जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आ चुके हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, उसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की है। नाम से सिर्फ चार किताबों का जिक्र है, तोरा, जबूर, इंजील और फुरकान, कुरान। लेकिन इस आयत के मुताबिक कई किताबें नाजिल की गई है, उनका नाम से जिक्र नहीं कुरान मजीद में। लेकिन जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक उम्मत के लिए थी, एक ग्रोह के लिए थी, और वो सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए अल्लाह सुबहाना वाला ने, खुदा ने ये सारी किताबों को महफूज रखने के लिए सही नहीं समझा, क्योंकि ये महदूद थी उस वक्त के लिए। इसीलिए ये जितनी किताब पहले नाजिल हुई वो महफूज नहीं है, ना उसकी जरूरत है। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुबहाना व ताला का, इसीलिए अल्लाह सुबहाना व ताला खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जितने पहले किताबें आए उनके अंदर मिलावट हो चुकी है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद ने सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में, फवैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बियदीहिम ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ۔ لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کماتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ یہ قرآن آخری کلام ہے اور कोई भी चाहे तो इसको तब्दील कर ही नहीं सकता, खुदा खुद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए आज जब मैं मुताला करता हूं कुरान और दीगर मजहबी किताबों का, अगर ये मैच होता है, अगर यकसा है, जो चीज कुरान और भगवत गीता में यकसा है, मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है मानने के लिए कि ये पोर्शन, ये श्लोक खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर कुरान से नहीं मिलता है तो मैं कहूंगा कि हो सकता है, हो सकता नहीं। लेकिन कुरान के खिलाफ है तो मैं कह सकता हूं कि ये खुदा का कलाम है नहीं। इसीलिए जो कलाम कुरान से मिलता है, चाहे वो श्लोक हो या मंत्रा हो, वेद का हो, उपनिषद का हो या गीता का हो, या चाहे धम्मापट का हो, अवस्था का हो, दशातीर का हो, चाहे ओल्ड टेस्टमेंट का हो, न्यू टेस्टमेंट का हो, जो भी चीज कुरान से मिलती है, हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि ये भाग खुदा की तरफ से है। इसीलिए मैं यकसानियत के बारे में जिक्र करता हूं। तो आपके लिए भी मैं कहता हूं कि जो इख्तिलाफ की बातें उसे छोड़ दो, जो यकसानियत की बातें हैं, जो आपके किताब में लिखा है, वेदा में लिखा है, पुराना में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आपके लिए फर्ज है कि आप भी इस आखिरी पैगंबर में माने। तो आप आखिरी पैगंबर में मानते हो? आप आपकी वेद में मानते हो? मानते हैं। आप पुराना में मानते हैं? हो मानते। तो मेरे तकरीर में मैंने इतने बार कहा और इतने हवाले दिया कि आपके मजहबी किताबों में लिखा है
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि है। आप कल की पुराण पढ़ेंगे तो उनके वालिद का नाम लिखा है विष्णु व्यास अब्दुल्ला, उनके वालदा का नाम लिखा है सुमति आमिना। वो कहाँ पैदा होंगे? संबाला में, मक्का में, वो चीफ ऑफ संबाला में, कुरैश के खानदान में, सारी चीजें मैंने कहा। तो अब आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हो, मानते हैं। माशाल्लाह, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हो, बिल्कुल। आप मानते हैं खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है? बेशक। और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए? सही। तो आप ये मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हो। तो जो शख्स इस बात को मानता है कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो उसे हम कहते अरबी में मुस्लिम, यानी वो शख्स जो अमन हासिल करता है अपने ख्वाहिश अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। तो आप मानते हैं अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हो, मानते। तो आप चाहते कि इस्लाम कबूल करे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। आपसे जबान से कह दिए कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई मामूद नहीं इबादत के लायक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आप मुसलमान हैं। जिस तरीके से आपने सवाल किया, मुझे शक हो रहा था कि माशाल्लाह आप मोमिन हैं, और मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुभान तआला से कि आपको इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे।